बाघ की गाड़ी मुर्गी वाला। कुछ दिन पहले की बात थी, घनश्याम नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास मुर्गियों का एक फार्म था और वह मुर्गियों का व्यापार करता था। उसके पास एक बैलगाड़ी और दो बैल भी थे। हर एक हफ्ते में एक बार वह उसके बैलगाड़ी पर मुर्गियों को चढ़ाकर शहर जाके मुर्गियों को बेचकर आता था। एक दिन जब वह शहर जाकर आया, तभी उसने अपने बैलों को चरने के लिए छोड़ दिया। तभी एक बाघ उसको देखता है। अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट बैल हैं, कितना तंदुरुस्त हैं। मुझे इसे किसी भी तरह पकड़कर खाना है, लेकिन ये बैल तो अकेले मेरे लिए बहुत ज्यादा भोजन हो जाएगा। ऐसा बोलकर बाघ जाकर और एक दूसरे बाघ को भी लेके आता है। उस दिन रात को घनश्याम के घर आता है। जब बैल सो रहे थे, धीरे से जाकर एक बैल को मारकर जंगल लेके जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे मेरा बैल गायब है, यहाँ पर तो खून की निशान भी है। अरे मर गया रे देवा, मेरे बैल को किसी ने मार दिया है। घनश्याम रो रो कर बहुत पछताने लगा और असलियत पता करने के लिए एक प्लान सोचता है। उसने पूरे घर को चारों तरफ से एक रस्सी से बांध देता है और उसी रस्सी को घर के अंदर एक घंटी से बांध देता है, ताकि जब भी कोई उस रस्सी को पार करके आए, घंटी की आवाज से उसे पता चले। उस दिन रात को जब घनश्याम सो रहा था, तभी अचानक से घंटी बजी। अरे ये क्या है, अभी घंटी बजी है, चलो जाकर देखता हूँ। उसने देखा कि दो बाघ आकर और एक बैल को भी मार कर उसे खा रहे थे। वह डर के मारे बाहर नहीं आ सका। अगले दिन वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी संकट से उसे बचाएं। तभी भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बेटा घनश्याम, तुम उदास मत रहो, ये लो, ये एक वशीकरण डंडा है। इस डंडे से तुम चाहे किसी भी जानवर या आदमी भी अपने वश में कर सकते हो। तब से वह सिर्फ तुम्हारी बात सुनेंगे और मानेंगे। धन्यवाद भगवान। जब दोनों भाग घनश्याम के मुर्गियों को भी खाना चाहा, वह दोनों भाग फिर से उसके ही घर के यहाँ आते हैं। तुरंत घनश्याम ने भगवान के दिया हुआ वशीकरण दंड से उन दोनों बाघ को अपने वश में लाता है। तब घनश्याम उन दोनों बाघ को सबक सिखाने के लिए ऐसा सोचता है। मैं इन दोनों बाघ को मेरे बैल की तरह इस्तेमाल करता हूँ। इन दोनों को मेरे बैलगाड़ी से बांधकर उन्हीं से मेरा मुर्गियों को शहर लेके जाऊंगा। ऐसा सोचकर दोनों बाघ को बैलगाड़ी से बांध देता है और मुर्गियों को शहर लेके जाने लगा। सारे लोग बाघ की गाड़ी को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन बाघ तो घनश्याम के वश में है, इसीलिए किसी को कुछ नहीं कह सकते थे। इस तरह घनश्याम का बाघ का गाड़ी बहुत फेमस हो जाती है और दोनों बाघ को भी सीख मिलती है। अंधा गिद्ध। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी जैसे तोता, मैना, कोयल, गोरैया आदि घोंसला बनाकर रहा करते थे। वो सभी पक्षी आपस में बहुत प्यार से रहते थे और हमेशा एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। एक दिन जोर का तूफान आता है और एक गिद्ध उड़ता हुआ उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तूफान थम जाने के बाद सभी पक्षी उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तोता कहता है, अरे ओ गिद्ध महाराज, तूफान थम गया है, अब आप यहाँ से चले जाएं। अरे भाई, मैं बूढ़ा, आप कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जाइए, लेकिन हम आपके कारण सबको खतरे में नहीं डाल सकते। मैं किसी के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। मुझे यहीं रहने दीजिए, जो आप लोग दोगे मैं खा लूंगा। सभी पक्षी आपस में विचार करके अंधे गिद्ध को अपने पेड़ पर रहने की इजाजत दे देते हैं। जब सभी पक्षी दाना लेने के लिए जाते हैं, अंधा गिद्ध सबके घरों की रखवाली किया करता है और बदले में पक्षी उसे खाना लाकर देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दूसरे जंगल में रहने वाली एक चालाक बिल्ली वहाँ आई और उसने छुप छुप कर गिद्ध और पक्षियों के तालमेल को बहुत गौर से देखा और मन में सोचा, अरे वाह, अगर मैं इस अंधे गिद्ध को काबू में कर लूं तो दावा उड़ा सकती हूँ।
बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और घोंसले के पास पहुंची। गिद्ध ने आवाज सुनी और कहा, कौन है वहाँ? रुक जाओ वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बिल्ली ने नाटक किया और कहा, अरे अरे गिद्ध महाराज, मैं दूसरे जंगल में तपस्या कर रही थी, वहाँ से भगवान ने मुझे इस पेड़ पर आपकी मदद के लिए भेजा है ताकि मैं आपके साथ मिलकर पक्षियों की रक्षा कर सकूं और अपने पापों को धो सकूं। गिद्ध चालाक बिल्ली की बातों में आ गया और उसने उसे पेड़ पर रहने के लिए कोटर में जगह दे दी। लेकिन अगले ही दिन बिल्ली ने पक्षियों के घोंसले पर हमला कर दिया। उसने उनके अंडे और बच्चों को चुराकर खा लिया और उनकी हड्डियां उठाकर गिद्ध के कोटर में डाल दी। पेट भर खाने के बाद उसने गिद्ध से कहा, हे महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जरा गंगा स्नान कर कर आती हूँ। ठीक है बिल्ली, तुम जाओ। गिद्ध ने बिल्ली की करतूत को नहीं समझा और वो इस बात से अनजान था। शाम को जब पक्षी वापस पेड़ पर आए तो अपने घोंसलों में बच्चों और अंडों को ना देखकर परेशान हो गए। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे अंडे, यह जरूर इस गिद्ध का काम होगा। सभी गिद्ध के पास गए और वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा। तोते ने कहा, दोस्तों ये देखो, ये गिद्ध की करतूत है, मारो इसे, मारो। और सभी पक्षियों ने उस गिद्ध को मार मार कर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया और दूर खड़ी बिल्ली यह सब देखकर मुस्कुराती रही। अरे वाह, यह गिद्ध भी मरने ही वाला है, मेरा एक और दावत का इंतजाम हो गया। एक जंगल में एक हिरन का जन्म हुआ था। वह हिरन बहुत खूबसूरत था, उसका सुनहरा शरीर और सुंदर भूरे कान थे। सभी जानवर उस हिरन को देखते रह जाते थे। एक दिन मोनू खरगोश का भी हिरन से मिलने का मन किया। मैं जल्द ही उस प्यारे हिरन से मिलना चाहता हूँ, कितना सुंदर होगा वो, आह मुझसे तो इंतजार नहीं होता। मोनू जल्दी ही हिरन से मिलने गया। मोनू उसे देख बहुत खुश हुआ और हिरन भी मोनू को देखकर हंसने लगा। यह देख हिरन की माँ ने कहा, लगता है तुम इसे बहुत पसंद आए हो, तुम्हारी तो दोस्ती हो गई। मोनू बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे हिरन बड़ा होने लगा और मोनू के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मोनू हिरन से बड़ा था इसीलिए उसे जंगल के नियम सिखाया करता था। एक दिन खेलते वक्त हिरन को एक मरा हुआ जानवर दिखाई दिया और वो रोने लगा। मोनू, ये बेचारा जानवर देखो ना। मेरे दोस्त, ये जंगल और प्रकृति का नियम है, हर जानवर एक ना एक दिन मर जाता है, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। चलते चलते हिरन को एक गुफा दिखाई देती है। मोनू भैया, ये इतनी बड़ी गुफा किसकी है? ये हमारे राजा शेर की गुफा है, वो बहुत महान है, वो पूरे जंगल को संभालते हैं, लेकिन उन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं, तो चलो आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे बाप रे, तो चलो चलते हैं। ऐसा कहकर हिरन और मोनू वहाँ से चले जाते हैं। हिरन और मोनू रोज इसी तरह खेलते और पूरे जंगल की सैर करते। मोनू हिरन को नियम सिखाता। एक दिन जब वो दोनों शेर की गुफा के पास खेल रहे थे तभी हिरन को एक जोर की आवाज सुनाई दी। अरे नहीं, ये क्या था? ये तो शिकारी है, शिकारी से हमेशा दूर रहना चाहिए। वे दोनों भागते हैं लेकिन शिकारी उन्हें घेर लेता है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे दोनों? अपनी गुफा के बाहर शोर सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से दहाड़ लगाता है, पर शेर को देखकर शिकारी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और मौका देखकर मोनू और हिरन भी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ईमानदार गाय और बिल्ली की कहानी। ये बहुत दिन पहले की बात थी। शीतलपुर नाम के एक गांव में शिवा करके एक गवाला था। उसके पास बहुत सारे गाय थे। उसमें एक अच्छी ईमानदार गाय थी जिसका नाम रूपा थी। रूपा सुबह और शाम मिलाकर 20 लीटर दूध देती थी। शिवा हर रोज उसी दूध को घर घर जाकर गांव में बेचता था। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा एक बछड़े को जन्म देती है।
तभी शिवा ने बोला, कितना प्यारा बछड़ा है रूपा, इसके बाद सारा दूध तुम्हारे बछड़े को ही मत दे देना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। जरूर मालिक, मानता हूँ कि वो मेरा बछड़ा है, लेकिन ये तो तुम्हारी और मेरे जीने का सवाल है। एक दिन शिवा ने दूध निकालकर एक जगह रखा और बाद में आकर बेचने के लिए जाने वाला था। जब शिवा वापस आया, एक हंडी में दूध कम था। वह हैरान हो गया और इधर उधर देखा। वहां पर तो रूपा और उसके बछड़े के सिवा कोई भी नहीं था। जब भी शिवा दूध निकाल कर रखता था, आधा दूध गायब हो जाती थी। तभी शिवा ने ऐसा सोचा, जब से ये रूपा बछड़े को जन्म दिया है, तब से दूध आधा तो गायब हो रहा है। कहीं ये दूध बछड़ा तो नहीं पी रही है, इसकी वजह से मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसा सोचकर शिवा बछड़े को रूपा से दूर और दूध से दूर बांधकर रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से रूपा बहुत उदास रहने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा ने शिवा से ऐसा बोली, मालिक, आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, क्या मैं उसका कारण जान सकती हूँ? अरे रूपा, तुम्हारी बछड़ा सारा दूध पी रहा है और मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। मेरा आमदनी भी कम हो गया है, इसीलिए मैं तुमको और उसको अलग रख रहा हूँ। लेकिन मालिक, मेरा बछड़ा तो ज्यादा दूध नहीं पी रहा है, आपको देखना है तो देख लीजिए। रूपा की दर्द भरी बातें सुनकर शिवा को एक आइडिया आता है। अगले दिन जहाँ वह दूध रखता है, वहाँ पर एक सीसीटीवी का आयोजन करने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक सीसी कैमरा लगवाता है। उसी दिन वह दूध निकालकर कैमरे के सामने रखता है। जब थोड़े देर के बाद आया तो देखा कि दूध कम हो गया। तुरंत वह जाकर सीसीटीवी में देखता है। ओहो, तो ये बात है, मेरा दूध कुछ बिल्लियां आकर पी के जा रहे हैं। मैं अनजाने में रूपा के बछड़े को दोषी माना है, इस बिल्लियों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तब से शिवा ने रूपा और उसके बछड़े को एक ही साथ बांधने लगा और बिल्लियों को सबक सिखाने के लिए एक बड़े कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तब से रूपा और बछड़ा भी खुश और शिवा का दूध का व्यापार भी खूब चलने लगा।